हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे चना दाल फ्राई। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही पसंद आने वाली है आप लोगों को, तो आप भी रेसिपी को ट्राई जरूर करें। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी चने की दाल, और इसको हमें एक बड़े बर्तन में डाल लेना है। और इसमें हमें पानी डाल देना है। और इसे हमें 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। 20 से 25 मिनट हो गए हैं दाल को भीगे हुए। इसको हमें पानी निकाल देना है सारा, और इसे हमें अच्छे से धो लेना है, जिससे कि इसमें मिट्टी ना रहे, गंदी ना रहे, दाल हमारी अच्छे से साफ हो जाए। तो इसे हमें अच्छे से धो लेना है। 20 से 25 मिनट हो गए हैं दाल को भीगे हुए, इसे हमें अच्छे से धो लेना है, जिससे कि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, और अब एक कुकर ले लेना है हमें, उसमें सारी दाल डाल देनी है। और इसमें हमें डालना है 1 गिलास पानी। आधा चम्मच हमें इसमें ऐड करना है नमक, और एक चुटकी हमें डालनी है हल्दी इसमें। और ये कुछ खड़े मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं, तो 2 हमने लिए हैं लौंग, 2 इलायची और 2 कड़ी तेज पत्ता। तो 2 हमने इसमें डाल दी तेज पत्ता, और ये और 2 इलायची। 1 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है घी। और अब इसे हमारे ढक्कन लगा देना है इसका, और इसको हमें 2 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेना है। 2 सीटी आने पर हमें इसकी गैस बंद कर, बढ़िया से उबल गई है। और अब इसको हमें फ्राई करना है, तो एक कढ़ाई में मैंने गरम रख दी है, उसमें मैंने घी डाल दिया है, और इसे हमें अच्छे से गरम होने देना है। ये कढ़ाई मैंने गरम रख दी है, इसमें हमें 2 चम्मच घी डाल देना है। आधा चम्मच हमें इसमें ऐड करना है जीरा, और 1/4 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है हींग। और जीरे को हमें अच्छे से भून लेना है। और ये मैंने 2-3 लहसुन डाल देने हैं, इसमें काट लिए मैंने छोटे छोटे। और इसे हमें अच्छे से लहसुन को ब्राउन होने देना है। और अब ये 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, ये हमें इसमें ऐड कर देनी है। और इसे भी हमें अच्छे से पकने देना है प्याज को। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, और प्याज को पकने देना है। नमक हमें अपने स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि मैंने उबालते समय भी इसमें नमक ऐड किया था। और इसको अब हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, और ये मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, ये हमें इसमें ऐड कर देना है। और इसको हमें अच्छे से पकने देना है टमाटर को। और अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमें इसमें ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसमें रंग बहुत अच्छा आ जाएगा। और 1/2 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है धनिया पाउडर। और इन सारे मसालों को हमें अच्छे से पकने देना है। 2-3 मिनट के लिए गैस मीडियम रखनी है, और हल्दी को पकने देना है। सारे मसाले इसमें अच्छे से पक गए हैं, टमाटर ने तेल छोड़ दिया है। और अब इसमें हमें 2 हरी मिर्च ऐड करनी है, तो 2 हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, और ये हमें इसमें ऐड कर देनी है। और अब सारी दाल हमें इसमें ऐड कर देनी है। और सारा मसाला हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसमें पानी की जरूरत नहीं है अभी। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी या पतली रखनी है, तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। गर्म पानी हमें इसमें ऐड करना है, जिससे कि मसालों का टेस्ट ना जाए। और इसे हमें अभी पकने देना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया दाल में, इसको हमें अभी थोड़ा और पकने देना है। और अब इसमें हमें ऐड करनी है थोड़ी सी कसूरी मेथी,
तो इसको हमें थोड़ा हाथ से मसल लेना है और ये हमें इसमें ऐड कर देना है और इसे हमें अभी कस्तूरी मेथी से हमारी दाल में स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसे हमें ऐड कर देना है और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है पूरी दाल में। आप देख सकते हैं दाल में अच्छे से उबाल आ गया है, दाल बनके तैयार हो गई है। इसमें हमें ऊपर से थोड़ा सा ऐड करना है हरा धनिया, तो इसको मैंने बारीक काट लिया है और अब हमें गैस बंद कर देनी है। तो आप देख सकते हैं चना दाल फ्राई बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसे हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी। तो आप भी बना के ट्राई जरूर करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।